नहीं तय करेगा। इस फैसले में स्टूडेंट्स की भी सहभागिता होगी। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट की जो व्यवस्था आज शुरू हुई है, इसने स्टूडेंट्स को एक ही क्लास और एक ही कोर्स में जकड़े रहने की मजबूरी से मुक्त कर दिया है। आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट इस सिस्टम से इस दिशा में स्टूडेंट्स के लिए रिवॉल्यूशनरी चेंज आने वाला है। अब हर युवा अपनी रुचि में, अपनी सुविधा से कभी भी एक स्ट्रीम को चूज कर सकता है, छोड़ सकता है। अब कोई कोर्स सेलेक्ट करते समय ये डर भी नहीं रहेगा कि अगर हमारे डिसीजन गलत हो गया तो क्या होगा। इसी तरह स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग लेवल्स, यानी सफल के जरिए स्टूडेंट्स के आकलन के भी वैज्ञानिक व्यवस्था शुरू हुई है। ये व्यवस्था आने वाले समय में स्टूडेंट्स को परीक्षा के डर से भी मुक्ति दिलाएगी। ये डर जब युवा मन से निकलेगा तो नए नए स्किल लेने का साहस और नए नए इनोवेशंस का नया दौर शुरू होगा, संभावनाएं असीम विस्तार होगी। इसलिए मैं फिर कहूंगा कि आज नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो ये नए कार्यक्रम शुरू हुए हैं, उनमें भारत का भाग्य बदलने का सामर्थ्य है। साथियों, हमने आपने दशकों से ये माहौल देखा है, जब समझा जाता था कि अच्छी पढ़ाई करने के लिए विदेश ही जाना होगा, लेकिन अच्छी पढ़ाई के लिए विदेशों से स्टूडेंट्स भारत आए, बेस्ट इंस्टीट्यूशंस भारत आए, ये अब हम देखने जा रहे हैं। ये जानकारी बहुत उत्साह बढ़ाने वाली है कि देश की 150 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज में ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स स्थापित किए जा चुके हैं। भारत के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिसर्च और एकेडमिक में और आगे बढ़े, इसके लिए आज नई गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। साथियों, आज बन रही संभावनाओं को साकार करने के लिए हमारे युवाओं को दुनिया से एक कदम आगे होना पड़ेगा, एक कदम आगे का सोचना ही पड़ेगा। हेल्थ हो, डिफेंस हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, टेक्नोलॉजी हो, देश को हर दिशा में समर्थ और आत्मनिर्भर होना होगा। आत्मनिर्भर भारत का यह रास्ता स्किल डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी से होकर जाता है, जिस पर एनईपी में विशेष ध्यान दिया गया है। मुझे खुशी है कि बीते एक साल में 1200 से ज्यादा उच्च शिक्षा संस्थानों में स्किल डेवलपमेंट से जुड़े सैकड़ों नए कोर्सेज को मंजूरी दी गई है। साथियों, शिक्षा के विषय में पूज्य बापू महात्मा गांधी कहा करते थे, राष्ट्रीय शिक्षा को सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय होने के लिए राष्ट्रीय परिस्थितियों को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। बापू के इसी दूरदर्शी विचार को पूरा करने के लिए स्थानीय भाषाओं में, मदर लैंग्वेज में शिक्षा का विचार एनईपी में रखा गया है। अब हायर एजुकेशन में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के इसके लिए स्थानीय भाषाओं में भी एक विकल्प होगी। मुझे खुशी है कि 8 राज्यों के 14 इंजीनियरिंग कॉलेज
5 भारतीय भाषाएं हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी और बांग्ला में इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं। इंजीनियरिंग के कोर्स का 11 भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेशन के लिए एक टूल भी डेवलप किया जा चुका है। क्षेत्रीय भाषा में अपनी पढ़ाई शुरू करने जा रहे छात्र छात्राओं को मैं विशेष बधाई देना चाहता हूं। इसका सबसे बड़ा लाभ देश के गरीब वर्ग को, गांव कस्बों में रहने वाले मध्यम वर्ग के स्टूडेंट्स को, दलित, पिछड़े और आदिवासी भाई बहनों को होगा। इन्हीं परिवारों से आने वाले बच्चों को सबसे ज्यादा लैंग्वेज डिवाइड का सामना करना पड़ता था। सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं परिवार के होनहार बच्चों को उठाना पड़ता था। मातृभाषा में पढ़ाई से गरीब बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, उनके सामर्थ्य और प्रतिभा के साथ न्याय होगा। साथियों, प्रारंभिक शिक्षा में भी मातृभाषा को प्रोत्साहित करने का काम शुरू हो चुका है। जो विद्या प्रवेश प्रोग्राम आज लॉन्च किया गया, उसकी भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। प्ले स्कूल का जो कंसेप्ट अभी तक बड़े शहरों तक ही सीमित है, विद्या प्रवेश के जरिए वो अब दूर दराज के स्कूलों तक जाएगा, गांव गांव जाएगा। ये प्रोग्राम आने वाले समय में यूनिवर्सल प्रोग्राम के तौर पर लागू होगा और राज्य भी अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से इसे लागू करेंगे। यानी देश के किसी भी हिस्से में बच्चा अमीर का हो या गरीब का हो, उसकी पढ़ाई खेलते और हंसते हुए ही होगी, आसानी से होगी। इस दिशा का ये प्रयास है और जब शुरुआत मुस्कान के साथ होगी तो आगे सफलता का मार्ग भी आसानी से ही पूरा होगा। साथियों, आज एक और काम हुआ है जो मेरे हृदय के बहुत करीब है, बहुत संवेदनशील है। आज देश में 3 लाख से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनको शिक्षा के लिए